आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? यह एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे केवल मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट प्रस्तुत करने से पहले संसद में पेश किया जाता है। हालांकि संविधान में ऐसे नियमों का उल्लेख कहीं नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण एक अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है और तो भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाता है और फिर उसी के अनुसार सुझाव देता है। उदाहरण के लिए कृषि के संबंध में नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का कहना है। एक अतीत का विवरण। सांख्यिकीय विवरण, भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान 16% और रोजगार में 49% है। विश्लेषणात्मक विवरण, सर आर्थर लुईस अर्थशास्त्री और डॉ अम्बेडकर दोनों ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लोगों को कृषि से विनिर्माण सेवाओं एवं गांवों से शहरों में स्थानांतरित हो जाना चाहिए। ठीक ऐसा ही दक्षिण कोरिया और जापान में हुआ था और सच कहिए तो इसलिए आज उनके पास भारत की तुलना में बेहतर जीवन स्तर है। दो, पूर्वानुमान और सुझाव। पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन गैर सिंचाई वाली भूमि में कृषि आय को 20-25% तक कम कर देगा। सुझाव, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमें सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, फसल अनुसंधान, MSP, APMC आदि में सुधार करना होगा। सरकार आर्थिक सर्वेक्षण का संज्ञान लेती है और उसी के अनुसार योजनाओं की घोषणा करती है। जैसे नवीनतम बजट 2018-19 में आर्थिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित बातों पर सहमति जताई। हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सुधार आवश्यक है। ऐसा प्रस्ताव है कि किसान को अपनी फसल पर जो लागत लगी है MSP उसका 1.5 गुना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसान को 50% का लाभ होगा। हाँ, हम कृषि उत्पादन बाजार समिति AMPC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में सुधार भी जरूरी है क्योंकि सभी छोटे और सीमांत किसान अपने उत्पाद को MSP मंडियों में नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर टेम्प का भाड़ा नहीं होता। इसलिए हम गांवों में ग्रामीण कृषि बाजार GRAMS स्थापित करेंगे और उन्हें नाम ऑनलाइन पोर्टल से लिंक करेंगे। तब जाकर किसान बिना किसी बिचौलियों और कमीशन के उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री कर सकेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मुद्दों से संबंधित है इसलिए यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन कौन सा विभाग? नीचे वित्त मंत्रालय के विभागों के नाम दिए जा रहे हैं और अक्सर परीक्षा में इस मंत्रालय के अधीन विभागों के कार्यों के विषय में पूछा जाता है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, डीपम इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट जीएमट। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर स्वामित्व को निजी संस्थाओं को बेचना। किस लिए? इसलिए ग्रेटर देन एक, धन जुटाने के लिए। दो, प्रबंधकीय दक्षता में सुधार करने के लिए। व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। लेखा नियंत्रक यहीं बैठता है। वित्त आयोग और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ग्रेटर देन फरीदाबाद। वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वित्त सेवाओं का अर्थ बैंकिंग, बीमा, पेंशन इत्यादि है। तदनुसार यह विभाग निम्नलिखित प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित है। ग्रामीण बैंक RRB, हाँ RBI उनकी निगरानी करने के लिए है। लेकिन इन सरकारी बैंकों में अध्यक्ष, MD और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, ग्रेटर देन बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB, जिसका पदेन सचिव वित्तीय सेवा विभाग का सचिव होता है। यह विभाग नाबार्ड IRDAI संबंधित प्रशासनिक और विधायी मामले को देखता है। राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। प्रत्यक्ष कर CBDT।
अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के लिए पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC था, लेकिन बजट 2018 ने इसका नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC कर दिया। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ NDPS, विदेशी मुद्रा प्रबंधन FIMA, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम PMLA, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट से संबंधित मामले, आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, भारत को दी गई अंतर्राष्ट्रीय सहायता, सरकार के टकसाल, मुद्रा और सुरक्षा प्रेस पर प्रशासनिक नियंत्रण, इरडा और PFRDA से जुड़े वित्तीय सेवाओं के विभाग, लेकिन सेबी और सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल से संबंधित प्रशासनिक विधायी मामले आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। छोटी बचत योजनाओं जैसे किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें, RBI नहीं, ये लोग फैसला करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायिका और राज्यों के साथ संघ और संघ शासित प्रदेशों के लिए बजट तैयार करना। नवीनतम बजट 1 फरवरी 2018 को पेश किया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार इस विभाग के अंतर्गत बैठता है और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2018 को पेश किया गया था। IES सा और वित्त सचिव IES > प्रधानमंत्री नेहरू ने 1961 में एक नई केंद्रीय सेवा भारतीय आर्थिक सेवा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस बनाई थी। UPSC सालाना इसके लिए नियुक्ति निकालता है जिसके लिए अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। उन्हें बजट योजना और नीति के बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रखा जाता है। इनके पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना एक वेब पोर्टल भी है greater than इनोर दो आर्थिक सर्वेक्षण लिखने में सा की मदद करता है। सा greater than सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद न तो एक संवैधानिक पद है और न ही वैधानिक। उनका सामान्य कार्यकाल 3 साल तक है। अरविंद सुब्रमण्यम का कार्यकाल 2017 सितंबर को समाप्त हो गया, लेकिन बाद में एक अन्य साल के लिए उनके कार्यकाल में विस्तार कर दिया गया था। ऐसा अफवाह है कि उनका कार्यकाल इसलिए 1 साल बढ़ा दिया गया क्योंकि एक उनका GST को लाने में बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए सरकार उनकी मदद 1 साल और चाहती है। 2, यह विस्तारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद वह बाद में IMF में मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभालेंगे। P वित्त सचिव वित्त मंत्रालय में प्रत्येक विभाग के शीर्षतम अधिकारी को सचिव आमतौर पर एक IAS अधिकारी कहा जाता है। उनमें से वरिष्ठतम को वित्त सचिव के रूप में नामित किया जाता है, जैसे हसमुख अढ़िया वर्तमान वित्त सचिव हैं।